भी साथ है। दोस्तों इस पार्क की खूबसूरती इतनी है कि आप मैं बयान नहीं कर सकता, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों को फिर से एक नए व्लॉग वीडियो में। तो गाइस अभी हम हैं लोधी गार्डन। लोधी गार्डन ये पहले कपल्स की पहली पसंद हुआ करती थी। हाँ, पहले क्या था कि दिल्ली NCR में पार्क्स बहुत कम थे, तो हमारे यहाँ पे ना एक कॉलेज है, यहाँ पे दयाल सिंह कॉलेज, उसकी वजह से बहुत पॉपुलर हुआ था, क्योंकि वहाँ के जितने भी कपल्स वगैरह होते थे वो ज़्यादातर से इसी को प्रेफर करते थे। बट अब पार्क वगैरह दिल्ली में बहुत हो गए, इस वजह से ऑप्शन बहुत हो गए। अंदर से दिखाएंगे, अभी बस स्टार्टिंग है वीडियो की, आप वीडियो में अंत तक बने रहें और हम चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पहले दोनों चलते हैं, सबसे पहले जा रहे हैं अपना फेस वॉश करने। देखना बंदे यहाँ पे, यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स और बाकी शूट्स वगैरह भी होते हैं, जैसे सामने शूट चल रहा है। ग्रीनरी तो भरपूर है यहाँ पे, आप आ सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं। यहाँ पे आते हैं लोग वहाँ दिन में, हम सुबह सुबह आए हैं अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि तुम्हारा भाई जहर है। तो भाई नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जोरबाग का, और बस स्टैंड पड़ेगा लोधी गार्डन। लोधी गार्डन जोरबाग से आप ई रिक्शा करके आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर है। बाकी अब तो मौसम ठीक हो चुका है कि आप दिन में भी आ सकते हैं, क्योंकि दिन में भी अब इतनी गर्मी नहीं है, पहले गर्मी होती थी तो ज़्यादा, लेकिन गर्मी में भी आप ग्रीनरी का तो पूरा भरपूर मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर। किला है सिकंदर लोधी, लोधी वंश के द्वितीय शासक थे, जिन्होंने 1489 से 1517 तक शासन किया। बाकी आप पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में, हिंदी में, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे पढ़ लेना। चलते हैं ऊपर तो देखते हैं क्या है। चलो यार, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ चलने पल के रहिएगा। अरे एक बार हम वहाँ गए थे, याद है वो तुगलकाबाद? हाँ हाँ। ओ भैया वो भी ऐसी था, खतरनाक था, खाली खाली। अरे हम वहाँ गए थे शिमला में, हाँ। अनुज का प्रसाद, अनुज ने प्रसाद दुकान से खरीदा, अभी पेमेंट भी नहीं करी थी उसने, छीन लिया, छीन के लेके भाग गया। ये तो बात है, वो कह रहा वो पूछ रहा दुकान वाले से, भाई पेमेंट करूँ या नहीं। कह रहा भाई पेमेंट बताऊँ, अगर आपको पता हो तो मुझे बताना। ये जो छोटे छोटे बनाया करते थे ये किस चीज़ के लिए होते थे? यार ये मुझे लगता है ना ये इसलिए होते थे कि इसमें सिपाही वगैरह खड़े रहे। इतने छोटा सिपाही कौन से होते थे पहले? तो इतने लंबे लंबे हाइट हुआ करते थे, इसमें तो मैं ही नहीं आऊँगा होता तो। फिर इसमें 5 फुट 7 इंच इसमें छोटी छोटी स्टोरेज बना रखी होगी, फिर इन्होंने और क्या ही करते होंगे, कुछ सामान वगैरह पूरे में बना हुआ है, दिखाते पूरा। ये हर जगह ही होता है, ऑलमोस्ट हर किले में ही होता है, ज़्यादातर से जगह तो होता ही है। ये रास्ता कहाँ जाता है अभी? उस सुरंग से अच्छी एग्जिट हो रहा है क्या? भाई ये तो सुरंग है मेरे दोस्तों, यार ये सब मत करो। तो होगी क्या पता किस चीज़ के लिए होगा ये किला, और कहीं और रहने का होगा सिस्टम इनका। लेकिन कुछ भी गया यार, पुराने की चीज़ है ना जो बनी हुई है, थी मजबूत, देख रहे इतने इतने सालों। ये बाद में रिकंस्ट्रक्शन कराई है, थोड़ी सी जोड़ी गई है इसमें ना, पुराने इतने इतने सालों पुराने हैं ये, टिके पड़े हैं। और आजकल के देख लो, कुछ साल पुराने होते ही घरों की बनावट होती थी, पहले सीमेंट तो होती नहीं थी, ये कैसे बनते थे पता नहीं, क्या बनाते थे, चूने से चुनाई होती थी इसकी, चूने से इतना तगड़ा। हाँ अब तो सीमेंट के नहीं चल रहे, उनकी कबर है, कबर है। अच्छा ये मैं समझ गया क्या बनाया, सिकंदर लोधी का मकबरा बना हुआ है। दोस्तों कैमरे से शूट करने के लिए मना कर दिया, तो अभी हम करेंगे फ़ोन से शूट, दिक्कत कोई नहीं होने वाली है, वीडियो आपको भरपूर मिलेगी और एक से एक नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये देखो पेड़ है, अरे रहने दे फटाफट, आता क्या होगा, ये अकेला, ये रस्की एंट्री, ये मकबरा है। चलो चलो आगे देखेंगे, मंकीज बहुत सारे हैं यहाँ पे। जय हनुमान जी। हाँ इधर से चलते हैं, है तो बहुत बड़ा पार्क, तो बहुत बड़ा यार, मैं थोड़ा उसका ध्यान रखना मेरे मंकी का, इधर से थोड़ी जाने का है मंकी।
किसका क्या छीनना है, टारगेट पर ध्यान दे रहा हूँ। ये देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। मैंने तो भूख भी लग रही है थोड़ी सी, कुछ खाई भी नहीं है, चिप्स वगैरह। मगर अगर आप आते हैं फैमिली के साथ तो चिप्स वगैरह ये सब नहीं, पराठे खाने बैठ के। हाँ हाँ, पिकनिक बना सकते हैं आप। अब तो पिकनिक ही बनाने आते हैं यहाँ, कपल वगैरह तो आते नहीं है, जो ज्यादा ही गरीब होंगे आ सकते हैं, बाकी तो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराने आते हैं लोग। इधर चल रहा फाउंटेन है ना, ये रहा फाउंटेन। गिर जाऊंगा कि नहीं? अरे चलो उस साइड चलेंगे। देख सकते हैं आप कैसे प्री वेडिंग शूट होते हैं। इंस्टाग्राम रील बनाने, यूट्यूब पे वीडियो बनाने हमारी तरह, और आप देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अभी ये पूरा किला है, ये पूरा किला, भीड़ हो रही है, इसका पूरा नज़ारा ये इस तरीके से। चलो लेट्स गो। तो देखो कुछ ऐसे नज़ारे, इसके ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम आए हूँ, आप अगर पहले आए हो तो कमेंट करना भाई साहब। वो बड़ी आगे चलते हैं किले के बारे में। पैसे लिए होंगे भाई, टिकट वगैरह। मैंने एक से पूछा था, मैंने प्री वेडिंग शूट के कितने पैसे लेते हैं? एक लाख रुपए। नहीं भाई, प्री वेडिंग शूट वही कराएगा जिसपे पैसा होगा, घर कोई थोड़ी करा ले। ऐसी बात नहीं है, लेकिन देख के मजा भी आता है। क्या कर रहे योगा? हम तो मैं खड़ा रहे, बहुत बढ़िया। कहाँ उल्टा भाई, एक्सरसाइज कहते हैं वर्कआउट कहते हैं भाई उसे। बच्चे आ रखे हैं, देखिए वो बुजुर्ग हो गया बेचारा, बुजुर्ग हो जाएगा तो भी ऐसे चलेगा भाई। कुछ जगह से तो उसको उसको डंडी दे दो ना, कुछ जगह से अरे पैर टूट जाएंगे मेरे। अबे इतने से टांग टूट जाएगी तेरी, टांग तो भारी है। चलो मोटी 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 आ जा। ये आ गया भाई हमारा शेर। इधर अरे पिक्चर अच्छी। मूव टू क्लोजर, मूव टू क्लोजर। चलो नीचे चलते हैं, इधर चलो। कौन सी वीडियो का इस्तेमाल करें? आ जा। अभी तक बटरफ्लाई पार्क गए। अच्छा रोनी सही बताना तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे अच्छा भी है ना, तो बाकी जो दिल्ली के ओवरऑल पार्क जितने हमने एक्सप्लोर करे हैं उनसे तो मुझे बढ़िया लग रहा थोड़ा सा। किला भी है ठीक है, और एक हमारा पार्क भी बहुत बढ़िया है पूरा का। और सबसे अच्छी बात है कि ना तो पार्किंग के पैसे देने हैं और ना ही तो तुम्हें कोई एंट्री देनी है। हाँ ये सब बढ़िया, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि पार्क के वहाँ ना यार एंट्री देनी पड़ती है। बाइक एंट्री, बाइक लेकर आओगे, कार लेकर आओगे तो उसकी आपको एंट्री पे करनी होगी, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अंदर भी फोटोशूट ही मे श्योर हो रहा है, ऐसा ना हो कुछ हम गलत कैप्चर कर लें। ऐसा नहीं बोलते, क्या कैसे नहीं बोलते, किसी की तारीफ नहीं कर सकते क्या? बताओ गाइस, किसी की तारीफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये लड़की छेड़ता है। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, सिर्फ करते हैं। पूरा एक्सप्लोर पार्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पार्क जो बहुत पता नहीं चल रहा कौन सा रास्ता कहाँ चल रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे। ये देखिए बैम्बू बोलते हैं शायद इनको, और पीछे भी बहुत सारे देखें अलग अलग तरीके के, ये जो कवर बने हुए हैं सबके अलग अलग बहुत सारी हैं यहाँ पे अंदर।
कहाँ है आजा। चलो लेट्स गो लेट्स गो। पसीने में तर तर हो गए। कूद जा, मेरा टूट जाएगा पैर। ट्रीज बहुत तरीके के ना यहाँ पे, ये बैम्बू बोलते हैं ना। फिर दोस्तों अगर पता है तो कमेंट में बताना कौन सा। तो ये कौन से है फिर? सफेद बैम्बू। लेकिन यार लोगों ने देख क्या कर रखा है, आज पे भी नाम लिखे हुए हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे इस वीडियो में हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ग्रीनरी मकबरे के अंदर ग्रीनरी, और इस पार्क को मैं इसलिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेमस पार्क था पहले दिल्ली के अंदर। अब तो बहुत सारे चलते चलते थक, पार्क बहुत बड़ा है। अंकल आंटी के जैसा प्यार चाहिए, इतने एज में भी साथ हैं। ठीक है, कितने सारे पब्लिक है, बढ़िया से सर्दियों में आएगा मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी इसकी टिकट विकेट लगने लग जाएगी क्योंकि जिस हिसाब से डेकोर किया हुआ है ना। बहुत जल्दी गए तो बहुत पुराना है। चार छुट्टी का मारे, मुझे तो पैसा दे दो भाई, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। मनी मांगता है अपने को यार, ये लोग भी ना सपोर्ट नहीं करते यार हमें। यही जो देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, एक साल हो चुका है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा यार। वीडियो मेहनत लगती है दोस्तों, एक छोटी सी मेहनत करे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है रोनी व्लॉग्स एंड सेकंड आईडी है डीएस राइडर 2714। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पार्क कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो चैनल को यार, बहुत मेहनत लगती है। कि और भी पार्क हमारे चैनल पे हैं, अगर आप चाहें तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो भी कपल पार्क है, फैमिली पार्क है, आप जाके चेकआउट कीजिए। और चैनल भी बनाया ना हमने, हाँ, सारे जितने भी दिल्ली में मोस्टली पार्क हमने एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।